हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण वेकरिया है और आज हम देखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप अपने पोस्ट को कैसे शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है और रिसेंटली फेसबुक ने भी बहुत सारा चेंजेस किया है, तो उसी की रिकॉर्डिंग आज हम जो नया टूल्स है जो एकदम फ्री में अवेलेबल है, आप उसका यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस में आपकी पोस्ट या स्टोरी या वीडियो वॉट एवर उसको आप अपने हिसाब से उसको ट्रिगर कर सकते हो और आप उसको वर्किंग में भी ला सकते हो। तो उसको पूरा शेड्यूलिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे पूरा उसके बारे में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दो टूल्स है। पहले अभी फेसबुक ने क्या किया था कि पहले फेसबुक पेजेस करके था, तो पेजेस के अंदर हमको सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। अभी पूरा चेंज हो गया है, अभी फेसबुक का एक क्रिएटर स्टूडियो है उसके अंदर हम पूरा मैनेज करते हैं। तो आपको सिर्फ गूगल में जाना है और लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे फेसबुक क्रिएटर ये पहले वाला लिंक आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको ये वाला विंडो इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जो अभी जितने भी आप अकाउंट हैंडल करते हो सेम आईडी से वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और फेसबुक के अकॉर्डिंग आप जितने भी पेजेस सब कुछ हैंडल करते हो सब के सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पेजेस आप कौन सा कलेक्शन जनरेट करते हो उसके ऊपर पूरा यहाँ पे डिपेंडेंसी होता है। मैं यहाँ पे कलेक्शन जनरेट करता हूँ कि भाई एक मेरा खुद का पेज है वो, और उसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं उसको अरुण वेकरिया करके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा एक कलेक्शन एक रेडी हो गया। तो जैसे भी यहाँ से अपने अब कुछ भी ऐसे समझ लीजिए कि पूरा स्टोरेज शेड्यूलिंग करना है, उसका एनालिसिस करना है, पूरा कितना लाइक्स कमेंट्स वगैरह क्या क्या आ रहा है वो देखना है, पूरा वीडियो का यानी कि वन टाइप ऑफ एनालिसिस व्यू है। आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जितने जितने पोस्ट डाले उसी के अकॉर्डिंग जितने जितने लाइक्स कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उसका सब यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा का पूरा डिटेल, और उसी के अकॉर्डिंग कोई वीडियोज़ वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो सब के सब यहाँ पे दिख जाएंगे। यानी कि आज हम ये टूल्स है उसी के रिगार्डिंग पूरा ओवरव्यू यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा एनालिसिस व्यू आप पूरा यहीं से देख सकते हो कि क्या किस हिसाब से पूरा अपना चैनल है वो जा रहा है, और मोनेटाइजेशन के अंदर अगर आप जो और पूरा ट्रैफिक वगैरह सब कुछ जनरेट करते हो तो उसी के लिए पूरे का पूरा यहाँ से आप पूरा ये बिठाना पड़ेगा, उसकी सब पॉलिसी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं। तो आज हम शेड्यूलिंग का मेन पॉइंट है शेड्यूलिंग का, बाकी का जो भी नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ये फ्री वाला टूल्स है, आप आज हम जो ये फ्री वाला टूल्स है उसके अंदर ये ब्राउज़र से भी दिखाऊंगा और आप मोबाइल से भी कैसे शेड्यूलिंग कर सकते हो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसका भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डिज़ाइन करते है उसको इंस्टाग्राम फीड के अंदर मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने मेरा पोस्ट डाल के ऑलरेडी रखा है, तो यहाँ पे हम पूरा ये लिख लेंगे और बाद में जो भी कैप्शन वगैरह डालना है हैशटैग डालना है वो हम यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो यूजिंग साइकोलॉजी इन मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यूजिंग साइकोलॉजी इन मार्केटिंग। बाद में मैंने पूरा उसका ग्रिड डिज़ाइन किया है, तो मैं यहाँ से अपना पूरा जो हैशटैग का बंच है मैं वो उठा लेता हूँ और पूरा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा वो लगा देंगे। यहाँ पे मैंने हैशटैग का बंच लगा दिया, यहाँ पे एक हो गया हमारा पूरा कलेक्शन। अभी यहाँ पे हम मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ये रहा मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे मैं अपनी फाइल अपलोड करूँगा 20 का, यानी कि ये वाला फर्स्ट यहाँ पे मेरे को ओवरव्यू दिखा देगा एक साथ सारे के सारे। हम आप खास बात ध्यान में रखिए, एक साथ आप 10 पोस्ट इंक्लूडिंग कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
अगर आपको किसको टैग करना है तो यहाँ पे जाके मैं अपने कंपनी को यहाँ पे टैग कर दूंगा, डी एमरजेंसीज करके आ गया, तो यहाँ पे मैंने उसको टैग कर दिया। आप ऐसे टैग कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, जो भी चाहे आप मैनेज कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम के अंदर डालना है तो इंस्टाग्राम के अंदर भी डाल सकते हो और उसको भी शेड्यूल कर सकते हो। तो मैं हम यहाँ से बेसिकली 1:10 और मैं यहाँ पे शाम का टाइम डाल देता हूँ 8 यानी कि 20s को। आप खास बात ध्यान में रखिए, कोई भी शेड्यूलिंग करते हो तो आपको मिनिमम 20 मिनट से पहले शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, यह कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 20 यानी कि शाम को 8 बजे ये शेड्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने शेड्यूलिंग में डाल दिया, अभी ये वाला पोस्ट पूरा शेड्यूलिंग में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी शेड्यूल हो गया है, आज शाम को 8 बजे शेड्यूल हो जाएगा। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कल मैंने जो ये करा था, रखा था, उसका पूरा पब्लिशिंग हो गया, उसके अंदर 10 लाइक्स भी आ गए अभी। तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू अपना जो कंटेंट है उसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमने ये वाला एक सेटिंग कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो भी दूसरा वाला सेटिंग है वो मोबाइल से कैसे हम करेंगे उसका देखते हैं मोबाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले अपना जो अप्रूवल मिरर है वो मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख, बाद में वो पूरा चेंज होके बन गया अपना मिरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी वो अपना देखा था वो सेम टू सेम इधर आ गया है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम एक्टिविटीज़ आपको दिखेगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है। तो यहाँ से जैसे कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरे का पूरा वो कलेक्शन दिखाता है, जो भी आप कलेक्शन कर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका पूरा। बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी पोस्ट लगी है तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है और क्या कौन सी शेड्यूल पोस्ट है वो भी आपको दिखाएगा। हमने रिसेंटली साइकोलॉजी वाली जो पोस्ट डाली थी वो भी यहाँ पे दिख रही है अपने को, और वो जब लाइव होगी तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा या क्या देखेगा ये देख रहा हूँ। मेरे पास अभी 700+ रीचेस आ चुके हैं, और यहाँ पे कोई भी मैसेज डालता है तो वो मैसेज दिख जाते हैं अपने को। और एड्स आपको डालना है, अपॉइंटमेंट लेना है, इवेंट जनरेट करना है, जॉब का रेजिंग करना है या अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, और इनसाइट के अंदर आपको पूरा एनालिसिस देखना है तो भी देख सकते हो, सेटिंग वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ से जैसे सेम टू सेम वे है, यहाँ पे जो भी है कंटेंट डाल दो और बाद में अपने फोटोज़ वगैरह है वो सिलेक्शन कर दो और उसी के अकॉर्डिंग लोकेशन वगैरह डाल दो, और यहाँ से भी आप मोबाइल से भी इन शॉर्ट वो शेड्यूलिंग कर सकते हो। आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी वगैरह है तो आप बेझिझक हमको कॉल कर सकते हो, और कॉल और बाकी वगैरह जो डिस्क्रिप्शन है आपके वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगे। इन बिटवीन आपको कुछ भी मेरे व्हाट्सएप मार्केटिंग के वीडियोस है या फेसबुक की ट्रिक्स टेक्निक्स है, डेटा स्क्रैपिंग है, तो वो भी वीडियो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और कुछ भी आपको डाउट वगैरह है तो मेरे को आप इंस्टेंटली आप कमेंट भी डाल सकते हो, और मेरे को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी है आप मेरे को कंप्लीट टचअप में रह सकते, टच में रह सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीडेड पर्सन है उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।